हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नफीस हेल्थ केयर। दोस्तों, आजकल आंखों से संबंधित कॉमन बीमारी बढ़ती जा रही है। हर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, ठीक है, हर कोई इससे इन्फेक्टेड है। जैसे कि दोस्तों, अचानक से क्या होता भाई, आंख आ जाना, जिसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है दोस्तों? ये एक तरह का आंखों से संबंधित इन्फेक्शन होता है जो हर किसी व्यक्ति में वायरल होते जा रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं और बताएंगे इसके सावधानी क्या होते हैं, कैसे ये फैलता है, कैसे इससे बचना है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं। चलिए बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस। अक्सर लोग आई फ्लू के नाम से भी इसको जानते हैं। दोस्तों, जो कंजक्टिवाइटिस होता है, हमारा जो ये कंजक्टाइवा होता है, जो आंख के वाइड भाग होते हैं उनको कंजक्टाइवा बोलते हैं। तो दोस्तों, अचानक से क्या होता है, हमारे आंखों में क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या एलर्जिक इन्फेक्शन हो जाता है। इस समय जो इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या होता है, हमारे आंखों से भाई रेडनेस हो जाती है, हमारी आंखें पिंक हो जाती है, हमारे आंखों में जलन सी होती है, गड़न सी होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, सूजन हो जाती है आंखें, और तो ऐसी कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ठीक है, जो कंजक्टिवाइटिस होती है ये तीन टाइप के होते हैं। एक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है, दूसरा जो होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एंड तीसरा जो होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। इस समय का जो कंजक्टिवाइटिस हो रहा है दोस्तों, आंखों से संबंधित जो बीमारी तेजी से फैल रही है, वायरस की वजह से फैल रहा है। ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस इस समय फैल रहा है, ये आपको 8 से 10 दिन में इससे राहत मिल जाती है, जैसे आप अगर बर्ताव सही से करते हैं। बात करें ये जो कंजक्टिवाइटिस होती है कैसे फैलता है, तो जैसे कि दोस्तों, आप गंदा पानी आपके आंखों में पड़ जाता है तो वायरस फैल जाता है। ये एक कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं जो कि हमारे आंखों में फैल जाते हैं। या दूसरा जो होता है, कोई व्यक्ति है उससे संक्रमित है तो आप उससे हैंड किए या उसी व्यक्ति का कोई चीज आप यूज कर दिए, जैसे तौलिया हो गया या उसकी कोई भी पर्सनल चीजें अगर आप टच में आते हैं तो आपको भी ये कंजक्टिवाइटिस फैल जाता है। तो इससे जरूर बचें, और इसके साथ आप अपने हाथों की सफाई रखें, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज जरूर करें और अपने हाथों से आंख को टच ना करें। इसकी वजह से आपका जो इन्फेक्शन होता है और तेजी से फैल सकता है। तो ये इसके सावधानी होते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होती है इसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो आपको ज्यादा आई ड्रॉप का यूज नहीं करना, अपने डॉक्टर से पहले संपर्क जरूर करनी है। ठीक है, ये वायरल होता है जो कि आपको टियर फ्रेश आई ड्रॉप लेनी है। टियर फ्रेश आई ड्रॉप में क्या होता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होती है जो कि आपको दिन में 3 से 4 बार आप डाल सकते हैं, 2-2 बूंद करके डाल सकते हैं। ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होती है 8 से 10 दिन में ठीक होने लगती है। इसके अलावा आप पेनकिलर ले सकते हैं, अगर बच्चों में देते हैं तो सिरप दे सकते हैं पैरासिटामोल का, बड़ों में लेते हैं तो पैरासिटामोल का टैबलेट दे सकते हैं जो कि डोलो के नाम से आती है, ठीक है, जो कि फीवर को और पेन को कम करने में मददगार होता है। इसके अलावा आप अपने आंखों की सिकाई कर सकते हैं, यानी कि बर्फ से लेकर हल्के हाथों से सिकाई कर सकते हैं, और अपने आंखों में क्या होता भाई, साफ पानी से छींटा मार सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल सलाइन मिलती है जिसको एनएस बोलते हैं, फ्लूड होती है, उससे आप अपने आंखों की सफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिन में 4 से 5 बार अपनी आंखों की सफाई जरूर करें, चश्मा लगाएं और बाहर खुली वातावरण में ना घूमें। ठीक है, इससे आपको 8 से 10 दिन में स्वयं राहत मिलने लगती है। तो ये रही दोस्तों आज की जानकारी कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंखों से संबंधित इन्फेक्शन के इलाज के बारे में, सावधानी के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।